सबसे अच्छी बात भाई साहब की ये लगी, कोई नया काम करना चाहता है, डेयरी करना चाहता है, व्यापार का काम करना चाहते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं भाई साहब। हकीकत जो सत्य बात है वही बताते हैं, ना कि गुमराह करते हैं किसी को भी। बाकी हम और भी कहीं घूमे, पंजाब से भी पशु लिए, राजस्थान से भी लिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, सब कहीं से पशु लिए। जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा है अब तक का, मैं कहूँगा अपना जो है। बहुत सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। गुरुवान फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको पंजाब में ये सेल परचेज का काम करते हैं और इन्होंने ये लगभग 6 गाय जो है सेल की है, इनमें देसी भी है, संकर नस्ल की भी है, साईवाल में है, वो सारी दिखाएंगे आपको, और कितने कितने पैसे में सेल की है और जिन्होंने ली है वो भी आपको बताएंगे, और जो इनकी मिल्किंग कैपेसिटी है वो भी भाई साहब को जानकारी देंगे। तो ये सबसे पहले तो इन पशुओं पे आप नज़र दौड़ाएं, ये देखिए फर्स्ट, ये अभी ब्याने वाली है, ये एक दूसरे नंबर पे, ये अभी ताज़ा ब्याई है, बच्चा देखें आप, और 15 किलो घीस है भाई, 15 किलो घीस में बता रहे हैं आज। जैसे कि जिन्होंने लिया उन भाई साहब ने बताया, एक साइड से एड्रा आपको टेढ़ा दिखेगा, बच्चा हाँ बच्चा एक साइड चूम गया अभी पीते, एक ये देखिए आप, इसके 10-12 दिन अभी रहते हैं, कच्ची है ये अभी, और एक ये देसी जो है, थन वगैरह बहुत ही बेहतरीन इसके देसी के, आप देखिए हम वगैरह, और ये साईवाड़ में जैसे बच्चे जो है नज़दीक बांध रखा है इसके, ये देखिए बच्चा बिल्कुल नज़दीक बंधा हुआ है, और अडर वगैरह देखिए, थन का साइज वगैरह, लेवटी, बच्चा इसका भी दूध पी गया, ये वो तो ये देखिए। तो आइए आपको भाई साहब से मिलवाते हैं और इन पशुओं की जानकारी जो है, तो सो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, और आपका नाम, गांव का एड्रेस वगैरह कंफर्म करा दे जी। मेरा नाम है भाई साहब राजदीप सिंह। अच्छा जी। और गांव है बदौड़। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट बरनाला, तहसील तपा। तपा तो भाई साहब क्या अपना, ये 22 साल का काम है जी। हाँ 22 साल का काम है भाई, 40 साल पुराना काम है अपना। अच्छा जी जी। अच्छा, जैसे कि अंकल जी आपके फादर, पहले फादर साहब करते थे, अब हम कर रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब कर रहे हैं। तो जैसे कि भाई साहब, ये सबसे पहले मैं इस पशु की जानकारी चाहूंगा, अभी अब कितने दिन की ब्याई है और दूध जो है भाई साहब ने कितना देखा है अभी? अभी भाई 3-4 दिन की ब्याई है, 8-9 किलो घीस तैयार है इसके लिए। अच्छा, 8-9 किलो घीस तैयार है। पहले ब्याह तो मैं 10-12 किलो दूध दिया इसने, अभी दूसरा ब्याह, दूसरे ब्याह की है। बिल्कुल शरीफ, देखिए शरीफ, जैसे कि मैं भी नया हूँ और 2-3 भाई जो जिन्होंने ली है, और अंकल जी भी खड़े हैं, तो हाथ वगैरह देखिए बिल्कुल आसानी से। तो ये जो दूसरी है इसकी भाई साहब, ये कौन से ब्यांत की है भाई? दूसरे ब्यांत की है। हाँ, इसने पहले ब्यांत में 12 किलो दूध दिया, अभी इसके 20 दिन बाकी है अभी, और बिल्कुल शरीफ है ये, देखिए पीछे से थन वगैरह देखिए, बिल्कुल अच्छी है, अभी लेआउट बनानी है इसने, अभी 20 दिन बाकी है इसके, 20 दिन अभी बाकी है। तो भाई साहब ये आपने किस रेट में सेल की है भाई? ये तो हमने करिए 35,000 में सेल। अच्छा, 35,000 रुपए में सेल किए। अच्छा, ये करिए 32,000 में। 32,000 में, ठीक है जी भाई साहब। और ये बसरी है क्रॉस ब्रीड में। क्रॉस ब्रीड में, जैसे कि सिंह के भी 10 दिन बाकी है भाई। हाँ, ये पहले ब्यांत की है, पहले ब्यांत की, 10 ब्यांत की कच्ची है, ये भी बिल्कुल शरीफ है। अच्छा जी, ये जैसे कि कितने में सेल की है जी? ये भी 32,000 में सेल, 32,000 में सेल की है। तो एक ये जो ये भाई साहब 4-5 दिन की ब्याई है। अच्छा जी। और 14-15 किलो घीस है इसके नीचे अभी। अच्छा जी, बिल्कुल शरीफ, चुबाई की एक नंबर आई। अच्छा जी भाई, तो इसकी मिल्क कैपेसिटी है 17-18 किलो, 17-18 किलो तक चली जाएगी। चार दाता जी 40,000 की दी है भाई साहब को, 40,000 रुपए की दी है, बिल्कुल शरीफ है। इसके दो थन बच्चा चूम गया था, हाँ थोड़ा नजदीक था, बिल्कुल शरीफ है, एक नंबर चुबाई है इसकी। भाई साहब ने चेक भी की होगी अंत में, आपको भाई साहब से भी बात करें। 3 टाइम चुबाई है भाई साहब को, ये देखिए एक ये जो भाई थनों का गैप वगैरह देखिए, बहुत ही अच्छा, पीछे से अड्र वगैरह देखिए,
तो इसका कितना कितने में सेल किया भाई साहब? ये भाई 52,000 में सेल किया। 52,000 रुपए में ये दूसरे ब्यांत में, पहले 18 लीटर दिया इसने। 18 लीटर इसने पहले ब्यांत में दूध दिया है और कीमत के हिसाब से बहुत ही, मैं तो कहूँगा सही पशु। अर्डर भी बहुत बढ़िया और देखें आप बहुत बेहतरीन। अभी 3-4 दिन बाकी है ब्याने में। बिल्कुल। एक ये जो बड़ी गाय और है भाई साहब, इसकी जानकारी और दें। ये देखिए, ये तो भाई हमारा बलवान है। अच्छा जी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी गाय है। कौन से ब्यांत के जी भाई साहब? ये जे भाई तीसरी बार ब्यारी है। अब की बार तीसरी बार ब्यायेगी? तीसरी बार, बिल्कुल ऐसा नहीं भी बोलने का ब्यारी है। अच्छा जी, पक्का ब्यारी है। अच्छा जी, तीसरी बार ब्यारी है भाई, तीसरी बार ब्यायेगी। तो भाई साहब जैसे कि अभी इसका, अभी इसके 3-4 दिन बाकी है भाई। अच्छा जी, पिछले ब्यांत में इसके दूध कितना था जी भाई? 28 किलो दूध जो है भाई इसका, 28 किलो दूध भाई साहब ने निकाला है। अर्डर चला के ये जरूर दिखाएं, देखें अर्डर वगैरह का, कद वगैरह का अंदाजा हो जाएगा आपको चलाने से। इधर ले लो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर ले लो। देखिए थन वगैरह, अर्डर वगैरह बहुत ही बेहतरीन। घुमा लो भाई साहब, घुमा लो, कोई बात नहीं, पीछे से देखिए आप, आगे तक काफी लंबा अर्डर और कद वजन की भी बहुत बेहतरीन है ये गाय। तो भाई साहब जैसे कि इसका मैं अगर प्राइस जानना चाहूं तो आपने कितने में सेल किया है? ये भाई गाय तो ज्यादा रेट की है। अच्छा जी, लेकिन हमने इनको गिफ्ट तौर के अपने यार दोस्त मान की दी है। अच्छा जी, ये 65 में दिया भाई, 65,000 में। चलो 65,000 रुपए में ये लगभग गाय जो है आप देखिए। तो आइए, आपको जिन्होंने ली है अब उनसे मिलवाते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई। तो आपने ली है जी ये गाय, तो आपका एड्रेस कंफर्म करा दो भाई साहब। मेरा नाम संजय यादव है। अच्छा जी, और ग्राम पोस्ट है बिलाहेड़ी। अच्छा जी, और तहसील है कोटकासिम, जिला अलवर राजस्थान। ठीक है जी भाई साहब, तो जो भाई साहब ने प्राइस बताया उसमें और आपके लेने में कोई फर्क तो नहीं होगा? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्राइस में दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार का जो है ना, हाँ जी, बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। हम 4 दिन से आए हुए हैं, सबकी चवाई करा के बहुत ही जायज रेट में पशु दिलाए, खाने की रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, कोई झूठ नहीं है, कोई झोल नहीं करते भाई साहब, जो सत्य बात है वही बताते हैं। खुट्टे से जिससे भी पशु दिलाए हैं, हाँ जी, वो डायरेक्ट दिलाए हैं, ना कि बीच में कुछ गैप बनाया है, कुछ नहीं है। ठीक है जी भाई, ठीक है, भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है, इनके पापा जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। तो मैं भी कहना चाहूंगा, बोलने को तो यहाँ से कुछ भी बोल देते भाई साहब, लेकिन जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो इसमें कोई झोल नहीं है। और भाई साहब ने जैसे बताया कि 3-4 टाइम चुवाई करने के बाद सारे पशु लिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और सारे व्यूवर्स जो है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, चाहे पशु कहीं से भी लें, तो जो है उसकी चुवाई जो है कम से कम 4-5 टाइम तक आप करके देखें, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो जाए। जो आप पैसे लगा रहे हैं उन पैसों का हक भी आपको मिले जाने के बाद, या फोन पे या वीडियो पे पशु कहीं से ना मंगाए। सबसे अच्छी बात भाई साहब की ये लगी, कोई नया काम करना चाहता है, डेयरी करना चाहता है, व्यापार का काम करना चाहते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं भाई साहब। हकीकत जो सत्य बात है वही बताते हैं, ना कि गुमराह करते हैं किसी को भी। बाकी हम और भी कहीं घूमे, पंजाब से भी पशु लिए, राजस्थान से भी लिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, सब कहीं से पशु लिए। जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा है अब तक का, मैं कहूंगा अपना जो है। बहुत बढ़िया, इस बात पे मैं भाई साहब का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जी। मैं आभारी रहूंगा हमेशा भाई साहब का, धन्यवाद। तो भाई साहब आपका कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे कि आपके नियर या मेरा कोई भी व्यूअर आपसे पशु खरीदना चाहे, जब गाय भैंस वगैरह भी सेल करते हैं? गाय भैंस ऑर्डर पे लेते हैं जी। अच्छा, थोड़ा गाय का ज्यादा काम है, जो भैंस का ऑर्डर आता तो तब लेते हैं। अच्छा, बढ़िया आती है तभी लेते हैं, ऐसे भैंस नहीं लेते, गाय का काम है इनका। तो गाय जैसी भी चाहिए, 30 किलो की, 40 किलो की, थार पार कर, साहीवाल, सभी तरह की मिल जाएगी भाई। तो आपका नंबर बता दें भाई साहब। मेरा नंबर है भाई 9592274571। एक बार रिपीट और कर दें भाई साहब। 9592274571। ठीक है जी भाई साहब। और खास एक बात भाई, रहने का और खाने का खास प्रबंध है अपना, कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है। अभी कोई भी आके 4-5 दिन रह सकता है। मैं भी अभी कोई 15-20 मिनट पहले ही वीडियो बनाने के लिए पहुंचा हूं, लेकिन मिलने के बाद मेरे को ये नहीं लगा कि मैं हरियाणा से पंजाब और पंजाब से किसी ऐसी जगह आ गया हूँ अलग से। बिल्कुल यही लगा कि मेरे परिवार में ही खड़ा हूँ।
तो ये भाई सारे बात जो है वो जरूर नोट करें कि एक परिवार में पहुंच के जहां पशु मिल सकता है वहां से लेने की कोशिश करें, न कि व्यापारियों से। तो अंत में सभी भाई जो देश विदेश से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।